हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंची, 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 1,750 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच एक अच्छी खबर आई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना बढ़ने की रफ्तार में 40% की कमी आई। महाराष्ट्र में कोरोना के 300 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंची, 190 से ज्यादा लोगों की मौत, पुणे में अब घर घर जाकर डॉक्टर करेंगे टेस्ट। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों से आए कोरोना के 850 मामले, 74 लोग ठीक भी हुए, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन जारी। यूपी के अमरोहा से आई डराने वाली तस्वीरें, सब्जी मंडी में लगी भारी भीड़, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में प्रशासन फेल हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,500 के करीब पहुंची, 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी और मामले बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एसएचओ समेत 25 से ज्यादा पुलिस वाले क्वारंटीन, 2 पुलिस वाले हुए थे कोरोना वायरस से संक्रमित। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,200 के पार पहुंची, 90 से ज्यादा नए मामले सामने आए, राजस्थान के कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात। देश भर में अब मास्क नहीं पहना तो केमिस्ट स्टोर पर दवा नहीं मिलेगी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर, केमिस्ट एसोसिएशन का ऐलान। एमपी के मुरैना में पुलिस ने 4 जमातियों को पकड़ा, केले के ट्रक में छिपकर भाग रहे थे, इंदौर के क्वारंटीन सेंटर से भागे थे चारों जमाती। यूपी के बरेली में कोरोना के मरीज ने अस्पताल में हंगामा किया, नर्सों को भगाया, पुलिस भी काफी देर तक संक्रमण की वजह से अंदर नहीं गई। यूपी का बरेली कोरोना मुक्त हुआ, सभी पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौटे, कोरोना से जंग जीतने वालों ने डॉक्टरों की तारीफ की, बोले सभी डॉक्टर फरिश्ते हैं। चेन्नई के ओमंदूर अस्पताल में 30 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे, पीड़ितों ने कहा डॉक्टरों ने भगवान की तरह जिंदगी बचाई। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में धोनी फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक किया, जरूरतमंदों को बांटा गया खाना। देश में छोटे कारोबारियों को पैसे की किल्लत ना हो, इसके लिए सीबीडीटी तेजी से टैक्स के पैसे रिफंड कर रहा है, पिछले 10 दिनों में छोटे उद्योगों को अब तक 5,204 करोड़ रिफंड किए गए। हैदराबाद में 2 चीनी छात्राओं के दिखने के बाद मचा हड़कंप, प्रशासन ने दोनों छात्राओं से पूछताछ की, नागालैंड की महिला के साथ दोनों चीनी छात्राओं को क्वारंटीन किया। यूपी के मुरादाबाद में स्थायी जेल बनाई गई, तबलीगी जमात के गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को भी इसी स्थायी जेल में रखा जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में 2 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे, लेकिन आसपास के लोगों में कोरोना का खौफ, 12 परिवार अपना घर छोड़कर कहीं और गए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38 के पार पहुंची, 10 महीने का बच्चा और 5 साल की मासूम बच्ची भी कोरोना से संक्रमित हो गई। ओडिशा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना वायरस का नया मरीज नहीं आया, अब तक ओडिशा से कोरोना के कुल 60 मरीज संक्रमित हैं। एमपी के इंदौर में कोरोना वायरस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ओला एम्बुलेंस का इस्तेमाल होगा, ड्राइवर को कोरोना से बचने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। इंदौर में लोगों को घर में रहने की हिदायत देने के लिए सड़क पर उतरे यमराज, कांस्टेबल जवाहर सिंह जाधव ने यमराज बनकर लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की। बिहार के मुजफ्फरपुर में सामाजिक दूरी के नियमों की उड़ी धज्जियां, बॉर्डर सील होने के बाद भी ट्रक पर बैठकर सफर कर रहे लोग। इंदौर में कोरोना वायरस के 35 मरीज ठीक हुए, अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,300 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और DRDO N99 मास्क बनाने में जुटे हैं, 500,000 मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोटा से यूपी के लिए रवाना करने के दौरान प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है, छात्रों को बस में बैठाने के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन हुआ। बिहार के रोहतास से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, कोरोना संक्रमण के बीच कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी, भीड़ में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
महाराष्ट्र के नागपुर से भी मजदूरों का पलायन जारी, साइकिल से ही महिलाओं और बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। सुविधा न मिलने से सरकार से नाराज। कोरोना संकट के बीच सामाजिक दूरी के पालन के लिए हरियाणा की मंडियों में ई टोकन व्यवस्था की शुरुआत की गई। मंडी में सरसों की खरीदारी शुरू हो चुकी है, 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। देश भर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस अलग अलग तरीकों से सजा दे रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने आरती उतारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बीच अनोखी शादी देखने को मिली, दूल्हा दुल्हन ने बीच सड़क पर चौंक के लगाए सात फेरे। रांची में कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए चौक पर कोरोना की पेंटिंग बनाई गई, साथ ही साथ लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील की गई। दिल्ली में लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों को खाना खिलाने में दिक्कत, दोपहर में खाना लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी में ACC ट्रस्ट सीमेंट बना, जरूरतमंद लोगों का बड़ा मददगार, हजारों लोगों को रोज बांटा जा रहा है खाने का सामान और पैकेट। कोरोना संकट के बीच देश के बाजारों में पैसे की कमी ना हो, इसलिए RBI ने 1 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया। इस मदद से किसान और छोटे उद्योगों तक पैसे पहुंचाए जाएंगे।